दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर अपने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते रहते हैं। ऐसा ही एक ट्वीट केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए किया, जिसके जवाब में कुश्ती में ब्रॉन्ज जीतने वाली दिव्या काकरान ने उन पर कुछ आरोप लगा दिए, जिसे लेकर ट्विटर पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज कुश्ती खिलाड़ी दिव्या काकरान से भिड़ गए, जिसका जवाब दिव्या काकरान ने कुछ ऐसे अंदाज में दिया कि सौरभ भारद्वाज पर भारी पड़ा। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में दिव्या काकरान ने कुश्ती में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, जिसके बाद उन्हें पूरे देश से बधाई संदेश मिलने लगे। बधाई देने वालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, जिसका जवाब देते हुए कुश्ती खिलाड़ी दिव्या काकरान ने ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा, मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूँ और यहीं अपने खेल कुश्ती का अभ्यास कर रही हूँ, परंतु अब तक मुझे राज्य सरकार से किसी तरह का कोई इनाम राशि नहीं दी गई, ना कोई मदद दी गई। मैं आपसे इतना निवेदन करती हूं कि जिस तरह आप अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं जो दिल्ली के होकर किसी और स्टेट से भी खेलते हैं, उसी तरह मुझे भी सम्मानित किया जाए। यहीं से शुरू होती है दिव्या काकरान और आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के बीच जुबानी जंग, जिसकी शुरुआत करते हुए सौरभ भारद्वाज ट्वीट करते हुए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखते हैं, बहन पूरे देश को आप पर गर्व है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि आप दिल्ली की तरफ से खेलती हैं। आप हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती आई हैं, लेकिन खिलाड़ी देश का होता है। योगी आदित्यनाथ जी से आपको सम्मान की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। हो सकता है मैं गलत हूँ बहन, मगर मैंने ढूंढा तो पाया कि आप दिल्ली राज्य की तरफ से नहीं, हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती रही हैं। आज पूरे देश को आप पर नाज है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आगे बढ़ें। सौरभ भारद्वाज के इस ट्वीट के बाद आया दिव्या काकरान का जवाब, जिन्होंने बकायदा प्रूफ के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, 2011 से 2017 तक मैं दिल्ली से खेलती थी। ये रहा सर्टिफिकेट दिल्ली स्टेट का। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो दिल्ली स्टेट से 17 गोल्ड है मेरे, वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करूं। हालांकि दिव्या काकरान के सबूत देने के बाद ना तो सौरभ भारद्वाज की तरफ से कोई ट्वीट किया गया और ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले में कोई सफाई आई है। पर सवाल यह है कि खुद को खिलाड़ियों की हितैषी बताने वाली सरकार पर एक खिलाड़ी द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसा आरोप लगाने की नौबत क्यों पड़ी। सवाल ये भी है कि एक विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर बिना किसी ठोस सबूत के ऐसा आरोप लगा देना कि एक खिलाड़ी को सोशल मीडिया पर सबूत पेश करने पड़े, ये कहां तक ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।